नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं जबलपुर मनोचिकित्सा क्लिनिक में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा। मित्रों, सबसे पहले आज मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आज वो जो मुहिम मैंने चालू की थी जागरूकता के वीडियो बनाने की, उसमें आप सभी ने मेरा साथ देते हुए आज हमारे इस चैनल का परिवार 20,000 से ज़्यादा लोगों का हो चुका है, और इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और साथ ही साथ यह उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहेंगे और हमारे ये जागरूकता का दीपक हम घर घर ले जाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले धन्यवाद के साथ मैं आपको बताऊं कि आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, उस संबंध में मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था जो कि बहुत ही ज्वलंत विषय है आज का, सुसाइड पर बात करने जा रहे हैं। आज जो मैं करने जा रहा हूँ वह मैं एक केस डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ में। आपके सामने मैं एक हिस्ट्री रखने जा रहा हूँ एक बच्चे की, जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब यह मैं क्यों रखने जा रहा हूँ यह आप देखेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि किस प्रमुख वजह से आपको लगता है कि बच्चे ने सुसाइड किया, और इस केस में जो बच्चे का रोल होना चाहिए आगे और पेरेंट का रोल होना चाहिए आगे, उसके संदर्भ में भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मित्रों, मेरे पास अभी कल ही एक केस आया, जो बच्चा है वह MBBS का अध्ययन कर रहा है, और कुछ 12-15 दिनों पहले उसने सुसाइड करने की कोशिश की। अब जब मैंने बच्चे का और उसके फैमिली का, मुख्यतः मेरे पास में उसके पापा उपलब्ध थे, उनका इंटरव्यू किया और बच्चे का इंटरव्यू किया, तो बच्चे की मानसिक स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं हुई है और वह काफ़ी डिप्रेस है, काफ़ी अवसादग्रस्त है, तो बहुत सारी चीज़ों को खुलकर वह नहीं बता पाया। लेकिन उसका मुख्य कहना यह था कि उसे MBBS पसंद नहीं है और वह उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है। आपको मैं बता दूं कि जो MBBS का अध्ययन होता है वह इंटर्नशिप मिला के 5-5.5 वर्षों का होता है, 5.5 ईयर का होता है, और बच्चा अभी फाइनल ईयर में है और अनफॉर्चुनेटली फाइनल ईयर के सारे ही विषयों में फेल हो चुका है। इससे पहले भी वह फेल हुआ है, अपने फर्स्ट ईयर में भी फेल हुआ है एंड प्री फाइनल में भी फेल हुआ है, लेकिन इस प्रकार से फेल नहीं हुआ कि सभी विषयों में फेल हो जाए। फाइनल ईयर में वह अपने सभी विषयों में फेल हो गया। अब हुआ ये कि वह सारे विषयों में फेल हो गया और उनके पेरेंट्स का उन्हें फ़ोन आया कि आपका परिणाम कैसा रहा, तो बच्चे ने कहा कि वह पास हो गया है। यह खबर सुनकर पेरेंट्स काफ़ी हर्षित हुए और बच्चे से मिलने उसके मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए। अब बच्चा चूंकि घर से बहुत दूर बाहर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, तो वह हॉस्टल में ही रहता था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बच्चा दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, और काफ़ी देर पश्चात भी जब बच्चे ने दरवाज़ा नहीं खोला तो दरवाजे को तोड़ा गया और इस पर देखा गया कि बच्चा जो है वह फांसी के फंदे पर झूल रहा है। बहरहाल जो फॉर्चुनेट पार्ट है वह यह है कि सभी बच्चों की मदद से बच्चे को फंदे से उतारा गया और त्वरित ही उसे मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सुविधाएं प्राप्त हो गई, फलस्वरूप उसकी जान बच गई। अब लगभग 12-15 दिन हो चुके हैं इस एपिसोड को। अब जब मैंने दोनों का इंटरव्यू किया तो पेरेंट का जो कहना है वो यही कहना है कि हमारे तरफ से तो बहुत विशेष दबाव नहीं रहा और बच्चा जो है वह अभी काफ़ी कंफ्यूज है, लेकिन हाँ, उसका एक दृढ़ मत है कि उसे MBBS नहीं करना, उसे डॉक्टर नहीं बनना। तो मित्रों, आपसे मैं यही प्रश्न पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि बच्चे को इस प्रकार से अपना रिएक्शन देना था या अपने डिज़ायर को सामने रखना था? क्या ये काफ़ी है कि बच्चा अगर अपने विषयों में फेल हो गया है तो वह आत्महत्या कर ले? और आपको क्या लगता है, क्या कारण रहे होंगे कि बच्चा इतने बड़े स्टेप को लेने के लिए मजबूर हो गया? पेरेंट्स के पार्ट में एज अ पेरेंट आपको क्या लगता है कि कहाँ गलती हो गई कि बच्चे ने ऐसा कदम उठाया? और आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि इस केस में
आपका क्या सुझाव होगा? क्या बच्चा अपना MBBS कंप्लीट करे क्योंकि वो अपने फाइनल ईयर में है, या बच्चा MBBS को रोक के कुछ और करे जो उसके मन में आता है? कृपया अच्छे से इस बारे में विचार करिए। ये चीज स्पष्ट है कि बच्चे को डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं है उसके हिसाब से, जबकि उसका भी एक वर्ष की अवधि बची हुई है अपने MBBS को कंप्लीट करने में। और जो पेरेंट्स हैं वो अभी तो इस दबाव में हैं कि बच्चा ठीक रहे। तो मित्रों, आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। आपसे उम्मीद यही है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप और हम सभी मिलकर मानसिक रोग के प्रति फैले हुए मिथ को समाप्त कर सकें और इस समाज को मानसिक तौर पर मजबूत बना सकें। तो दिस इज डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।